अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही चपाती, और जिसे हमारे घर में बोला जाता है सोडे की रोटी। जिसे बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये रहे अंडे, घी, ड्राई फ्रूट, कलर, नमक, सोडा, कलौंजी, बेकिंग सोडा और पानी। यहाँ हमने 1 kg मैदे में 250 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल किया है। यहाँ सबसे पहले मैदे में हम यूज़ करने वाले हैं बेकिंग सोडा, कलौंजी, घी, नमक और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब अंडे मिक्स करते हैं। एक केजी मैदे में 4 अंडा काफ़ी होता है। ये रहा कलर, कलर को हमेशा दूध में मिक्स करें। बेकिंग सोडा एक बार फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। यहाँ हमने ड्राई फ्रूट लिया और जिसे जार में रखा। इसमें इलायची डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसे दरदरा पीस के निकाल लें। अब इन सभी चीज़ों को मैदे में मिक्स करते हैं। किशमिश और ये पीसे हुए ड्राई फ्रूट, इसे भी ऐड कर लें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें पानी डाल के गूंद लें इसे। ये गूंदे हुए आटे को कम से कम 5 से 6 घंटे तक के लिए इसे ढक के रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल डालें। ये हमारा गूंदा हुआ आटा जो 5 घंटे के बाद बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ हमने खसखस लिया है, यहाँ हमने पेड़े बनाए। अब इसे छोटा छोटा बेल लें। इसके ऊपर पानी लगा के खसखस लगाना शुरू करें, क्योंकि पानी लगाने के बाद खसखस बहुत अच्छी तरह चिपक जाते हैं। आप दूध भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे तेल में डालें, डीप फ्राई होने दें। इसे फ्राई होने के बाद अच्छी तरह से निकाल लें। Thank you.
यहाँ देखें हमारी ये शाही चपातियाँ बनके बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत देखने में प्यारी भी लग रही हैं माशाल्लाह। जिसे हमने चिकन के साथ सर्व किया है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।